यदि ब्रह्मांड का ये दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है मेरे प्रिय, मैंने चुना है तुम्हें, तुम सौभाग्यशाली हो, यह संजोग नहीं है। इस सृष्टि को परमपिता परमेश्वर ने रचा है, तुम्हें भी उन्होंने रचा है। जब परमात्मा का हाथ थामने की इच्छा हो, महसूस करने की इच्छा हो डिवाइन की शक्तियों को, जब यूनिवर्स की शक्तियों को तुम छूना चाहते हो, पाना चाहते हो, तब तुम्हें भी अपने सच्चे हृदय से खुद को पूर्ण समर्पित करना होगा। यदि तुम अपने जीवन के उद्देश्य में सर्वप्रथम स्थान परमात्मा को देते हो, तुम यह मानते हो, यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारा जीवन परमात्मा की देन है, तुम जो कर रहे हो वो उनकी इच्छा है, जो हो रहा है उनकी मर्जी है, और होगा वही जो उन्होंने सुनिश्चित किया है, फिर कैसा डर, कोई डर नहीं सताएगा तुम्हें, कोई भय भयभीत नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, कोई अन्य मनुष्य तुम्हारा हृदय नहीं दुखाएंगे। मेरे प्रिय, तुम इस प्रकृति का हिस्सा हो, जैसे फूल हैं, पौधे हैं, जैसे आसमान है, वायु है, वैसे ही मनुष्य है। जब ये स्थायी होते हैं, चिंताओं से मुक्त होते हैं, फिर मनुष्य को किस बात की चिंता। हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, इसमें पत्ते कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां कभी विकट होती है, कभी बहुत खुशहाली आती है जीवन में, ये तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ परमात्मा ने पहले ही तय करके रखा है। केवल अनुभूति है सुख और दुख की, खुद को समर्पित कर दो परमात्मा को।